प्लॉट बेचने का झांसा देकर शहर पुलिस के एक सिपाही को एसआरपी कर्मी ने 19,30,000 रुपए से ठगा है। तहसील पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सिपाही जयभोले नगर बिनाकी निवासी अनुप अनिल राउत को गिरफ्तार किया है। शांतिनगर निवासी अनिल धूले पांच पावली थाने में सिपाही है। उसकी 2007 में पुलिस भर्ती के चयन के दौरान अनुप से मित्रता हुई थी। अनिल शहर पुलिस और अनुप एसआरपी में शामिल हो गया। अनुप अनिल को नया घर खरीदने के लिए बोलने लगा। उसने अनिल को उसका शांतिनगर का घर बेचने को कहा। उसने घर खरीदने में खुद भी मदद करने का बताया। अनुप ने अनिल को अपने पड़ोस का प्लॉट भी दिखाया। इसकी कीमत 25 लाख रुपए थी। अनिल ने मित्रों से रुपए उधार लेने के साथ सोसाइटी से कर्ज लेकर अनुप को 19,30,000 रुपए दे दिए। अनिल ने मित्रों को मकान बेचकर उधार लिए रुपए लौटाने का वादा किया था। वह जहां पैसे नहीं लौटा पा रहा था, अनुप भी मकान की रजिस्ट्री कराने में भी टालम टोल कर रहा था। 10 नवंबर 2018 को अनुप की एमआईडीसी पुलिस ने खुदकुशी के लिए मजबूर करने के प्रकरण में गिरफ्तारी हुई। इसके बाद से अनिल मकान की रजिस्ट्री कराने और रुपए लौटाने के लिए दबाव बनाने लगा। अनुप लगातार टालम टोल करता रहा। अनिल ने तहसील थाने में शिकायत दर्ज कराई। करीब एक साल तक इंतजार करने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अनुप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कर्मचारी अनिल ढोले पाचपावली पुलिस स्टेशनला कार्यरत आहे। यांचा अर्ज चौकशी आमच्याकडे होती आणि अर्ज चौकशीमध्ये त्याचा जुना मित्र आणि SRPFमध्ये ग्रुप चारमध्ये नोकरीस असलेला आरोपी अनुप अनिल राऊत ह्याने त्याची 19 लाखाची फसवणूक केल्याबद्दल गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये आरोपी अटक आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।